अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, हम सब पूज्य सदगुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में आज 1 वर्ष बाद उपस्थित हुए हैं और पूज्य गुरुदेव अपने हर एक शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं, जिस मार्गदर्शन से उसमें परिवर्तन होने लगता है। किसी के लिए वो साधना है, किसी के लिए वो सेवा है, किसी के लिए उनकी किताबों का अध्ययन है। पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी ही कृति है मेरे राम, जो रामायण पर आधारित है, पर ये कृति ऐसी है जो एक गुरु के दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो गुरु ने राम को कैसे बनाया, वो गुरु था कौन, उसके बारे में आज हम सब थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन जिस राम के, जिस गुरु गोविंद के दरबार में हम इकट्ठे हुए हैं, आज के इस समागम की शुरुआत उसी राम नाम को लेकर हम सभी मिलकर उस राम नाम को गाएंगे, उसका भजन करेंगे, उसका सुमिरन करेंगे। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम रमैया गाए जा, राम से प्रीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से प्रीत लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवरे जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवरे जब अटके नैया, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम नाम बिन जागा सोया, अंधेरे में जीवन खोया, का दीप जलाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बोले राम की, राम भगवान की जय। तो बंधुओं, उस राम का नाम लेने के लिए, उस राम से लगन लगाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। पर उस राम से प्रेम कैसे किया जाए, उस राम के नाम से प्रीति कैसे हो, उस परमात्मा से, उस गुरु से प्रीति कैसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अगर अपने जीवन में परमात्मा को या गुरु को प्रकट करना है तो प्रेम करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब ये प्रेम कहीं से भी शुरू हो सकता है, अपने माता पिता से शुरू हो सकता है, भाई बंधुओं से शुरू हो सकता है, पेड़ पौधों से शुरू हो सकता है, किसी से भी शुरू हो सकता है। पर वो शुरुआत की सीढ़ी है और उसकी अंतिम सीढ़ी परमात्मा, गुरु और गोविंद के चरण है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, वो प्रेम से ही प्रकट होगा, बुद्धि से प्रकट नहीं होगा, विचारों से प्रकट नहीं होगा, प्रार्थना में प्रकट होगा। लेकिन किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, ये बात मुश्किल से होती है। बहुत मुश्किल चीज़ है प्रेम और प्रार्थना का हमारे जीवन में उद्गम होना, उसका प्रकट होना। हमारा अधिकांश जीवन संदेह में बीत रहा है, लेन देन में बीत रहा है। हम किसी गुरु या किसी संत के यहाँ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या ये सच्चा गुरु है भी या नहीं, और अगर गुरु या संत ठीक ठाक भी है तो इससे हमको जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, हम लेन देन सोचने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी उसके जीवन में परमात्मा गुरु को भेज देगा, और उस गुरु के आने से आपके जीवन में उस राम के ज्ञान का प्रागट्य हो जाएगा, उसके बिना नहीं होगा। गुरु बीच की सीढ़ी है, बीच का पुल है जो आपको उस परमात्मा से जोड़ता है। हम अक्सर जब प्रचार में निकलते हैं तो लोग हमसे हम अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, हमारे आचार्यगण, परमाचार्य जी सबसे पूछते हैं, हमारे जितने भी सन्यासी महात्मा हैं जब भी प्रचार में निकलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं, किसी संत से जुड़े हैं। तो कहते दीक्षा अभी थोड़ी लिए हैं, अभी पहले हम पक्का गुरु खोज लें फिर हम दीक्षा लेंगे। अगर आप ही पक्का गुरु खोज लेंगे, अगर आप ही गुरु को खोज लेंगे, गुरु को चीन लेंगे, तो आपकी योग्यता तो गुरु से ज़्यादा हो गई ना। गुरु शिष्य को खोजता है और खोजते खोजते हर गांव में पहुंचने का प्रयास करता है। वैसे ही समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आप जैसे चुनिंदा लोगों के दिलों में पहुंचने के लिए काशी, बद्रीनाथ को छोड़कर, बनारस और बद्रीनाथ की पावन भूमि को छोड़कर दिल्ली से होते हुए कोटद्वार आ गए और आपके दिल में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर श्रद्धा है? हम जब कहते हैं कि हम पहले पक्का गुरु खोज लें तभी हम दीक्षा लेंगे, ये हम हमारे अभिमान का, हमारे तथाकथित ज्ञान का परिचायक है। लेकिन बंधुओं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो अभिमान होता है या जो हमारी सोच हमको लगती है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये अभिमान हमें गुरु के चरणों से काटता है। लेकिन प्रेम जो है वो गुरु के चरणों से हमें जोड़ता है। सवाल उठता है कि अगर कोई संत मिल भी गया तो उसको अपने जीवन में लाएं तो लाएं कैसे? एक बार एक महात्मा जी कोटद्वार आ रहे थे। कोटद्वार में उनके एक चेला था, तो चेला ने फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी आप स्टेशन पर उतर जाइएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, रिसीव करने आ जाऊंगा। महात्मा जी बहुत खुश, ढूंढना नहीं पड़ेगा किस गांव में जाना है। तो महात्मा जी ऐसी ही 35-40 डिग्री की गर्मी में स्टेशन पर उतरते हैं अपनी ट्रेन से, और स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो उनका शिष्य एक जीप के साथ खड़ा होता है, लेकिन जीप में उसके साथ 6-7 लोग और भी होते हैं। तो महात्मा जी पड़ जाते हैं चक्कर में कि मैं तो सोच रहा था कि आराम से जाऊंगा, पर अब मेरे साथ जीप में 6-7 लोग और जाएंगे तो ये आरामदायक यात्रा तो होगी नहीं। तो महात्मा जी शिष्य से पूछते हैं, अरे ये सब कौन है? तो कहते हैं ये सब शिष्य हैं, ये आपको लेने आए हैं। तो महात्मा जी पूछते हैं कि लेने तो आए हैं, पर लेकर कैसे जाओगे? जीप तो तुम्हारी भरी हुई है। तो गुरुदेव बताते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम भी जब किसी गुरु या किसी संत के शिविर में आते हैं, उसके आश्रम में आते हैं, हमारा भी ये जो शरीर रूपी जीप है ना, इसमें बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं। अभिमान है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। जब ये सारे हमारी जीप में बैठकर आएंगे तो क्या हम गुरु को अपने घर ले जा पाएंगे? तो संत के पास आना यही कारण है कि हम अपनी जीप से, अपने देह रूपी वाहन से इन सभी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे जो सवारियां हैं उनको हटा दें, ताकि वह गुरु आराम से बैठकर हमारे जीवन में आ सके और हमारी यात्रा को सुगम बना सके। वाल्मीकि जी ने भी भगवान राम से कहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है? तो वो कहते हैं तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, यानी कि परमात्मा से ज्यादा जो गुरु को मानता है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन उसको बताने वाला गुरु ही होता है। एक बार एक भक्त और ज्ञानी के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि जब हम परमात्मा को पाने की बात करते हैं, गुरु और गोविंद को रिझाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे मार्ग हैं। एक मार्ग है ज्ञान का, एक मार्ग है कर्म का, एक मार्ग है भक्ति का। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में विवाद हो गया कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, परमात्मा को कौन ज़्यादा पसंद आता है। तो आपस में लड़ रहे थे, तो कहे कि नहीं मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहा नहीं मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो जो ज्ञानी था वो कहता है कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं योग्य हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। और भक्त है वो कहता है मैं अयोग्य हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मुझ में कमियाँ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। और अक्सर देखा जाए तो माता की गोदी में तो छोटा बच्चा ही बैठता है ना, अबोध बच्चा ही बैठता है। तो मैं भी अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो दोनों की लड़ाई बढ़ती गई और उन्होंने कहा कि चलो हम परमात्मा से ही जाके पूछ लेते हैं, उस गुरु से ही जाके पूछ लेते हैं कि ज्ञानी श्रेष्ठ है या भक्त श्रेष्ठ है। तो दोनों जाते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव बताइए मैं ज्ञानी ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ या ये भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ है? तो गुरुदेव मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम जो ज्ञानी हो तुम मेरी आत्मा हो। इससे ज्ञानी का सीना चौड़ा हो जाता है और जो भक्त होता है वो मायूस हो जाता है और वो वापस मुड़ के जाने लगता है। तो गुरुदेव कहते हैं अरे बच्चा रुक तो जाओ। वो कहते हैं नहीं अब क्या सुनना है, आपने तो कह दिया ज्ञानी ज़्यादा श्रेष्ठ है, आत्मा से भी बड़ी कोई चीज़ होती है, मेरे को तो इससे छोटा ही स्थान मिलेगा। तो कहते नहीं नहीं मेरी बात सुनो। वो कहते नहीं गुरुदेव मुझको नहीं सुनना, मैं जान गया कि ज्ञानी आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, मुझ जैसा भक्त आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो कहते नहीं ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है, और वो परमात्मा भक्त के लिए, भक्त से बड़ा परमात्मा गुरु के लिए भी कोई नहीं होता है। और उसी गुरु का आज आपके बीच आगमन हो गया है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जेहि मार्ग से साहब मिले प्रेम कहावे सोई। समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं तथा अपने आहार व्यवहार योग ध्यान के माध्यम से असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक साधक अपना रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त तक अवश्य करा लें। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पितृमोक्ष साधना एवं स्वर योग साधना का विशेष प्रशिक्षण दिनांक 27 व 28 सितंबर को सदगुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में सर्व पितृ श्राद्ध साधना शिविर संपन्न होगा। इस 2 दिवसीय साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक साधक अपना निबंधन 25 सितंबर तक अवश्य करा लें। दिनांक 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सदगुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में शरद नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव इच्छुक साधकों को स्वर योग साधना प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे साधक ध्यान की गहराइयों में उतरकर रोग मुक्त एवं समृद्ध जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। निबंधन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2019। संपर्क सूत्र 9968430203 966797668 2। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सतगुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर भक्तगण पारिवारिक शांति सुख समृद्धि पति पत्नी और पिता पुत्र के मधुरम संबंध हेतु स्वामी श्री के प्रवचन सुने और दिव्य गुप्त विज्ञान सीखें, जो कलयुग के लिए कामधेनु है। जो स्वर विद्या भगवान शिव ने पार्वती को, सूर्य ने हनुमान जी को और कबीर साहिब और चरणदास जी ने भक्तों को दी, वही स्वर विद्या स्वामी श्री आपको प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप इस जगत में भी सफलता प्राप्त करें और उस जगत में भी सफल रहें।